दशहरा 2020। दर्शकों, आप सभी को विजयदशमी यानी दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दशहरा हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। दशहरा को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। दशहरा यानी विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है अथवा दुर्गा पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। कथा। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने इस दिन अहंकारी रावण का वध किया और माता सीता को उनकी कैद से मुक्त करवाया। इस विजय की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। साथ ही इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था, इसीलिए भी इसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अज्ञातवास खत्म होने के बाद पांडवों ने शमी वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। पूजा विधि। दिवाली से ठीक 20 दिन पहले पंचांग के अनुसार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयदशमी अथवा दशहरे के रूप में देश भर में मनाया जाता है। दशमी तिथि आरंभ 25 अक्टूबर को 7/41 से 26 अक्टूबर को 8/59 तक है। इस दिन सरस्वती पूजन तथा शस्त्र पूजन किया जाता है। साथ ही घर के सभी वस्तुएं पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। इस बार का विजय मुहूर्त दोपहर को 1:55 से 2:40 का है। अपराह्न पूजा समय 13:11 से 15:24 तक है। उत्सव। विजयादशमी के दिन रामलीला का आयोजन होता है। रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। भारत की ऐसी 6 जगहें जहां का दशहरा उत्सव आपको जिंदगी में एक बार तो अनुभव करना चाहिए, वो जगह है मैसूर, कुल्लू, कोटा, मंगलोर और बस्तर। इसके अलावा बंगाल, उड़ीसा और असम में यह पर्व दुर्गा पूजा के रूप में ही मनाया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में दशहरा 9 दिनों तक चलता है, जिसमें 3 देवियाँ लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा करते हैं। गुजरात में मिट्टी का सुशोभित रंगीन घड़ा देवी का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान गरबा और दांडिया खेला जाता है, जो पूरे दुनिया में मशहूर है। महाराष्ट्र में 10वें दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की वंदना की जाती है। कश्मीर में 9 दिनों तक लोग माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। आपको फिर एक बार विजयादशमी की ढेर सारी बधाइयां।